नमस्कार, मैं हूं वात्सल्य त्रिपाठी और आप देख रहे हैं JNI न्यूज। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर, समाज सेविक अपनी मृत्यु से पहले किया देहदान। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में एक समाज सेवी ने मृत्यु से पूर्व देहदान की वसीयत की थी। आज उसकी मौत के बाद उसके परिवार वालों ने शव को मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया ताकि मेडिकल के छात्र उस मृत शरीर से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। देहदान का बहराइच में यह पहला मामला है। आपको बताते चले कि स्वयंसेवी संस्था भारत विकास परिषद के जय प्रकाश सक्सेना ने बताया कि मुरारी लाल अग्रवाल प्रमुख समाज सेवी थे। इन्होंने 2 साल पूर्व अपनी देह दान किए जाने की इच्छा प्रकट की थी। उसी के तहत पहले ही पंजीकरण करा लिया गया था और आज उसी के तहत हम लोग शरीर को मेडिकल कॉलेज को सौंप दिए हैं। आपको बताते चले कि महाराजा सुहेल देव मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इंद्र कुमार ने कहा कि इस दान से हमें शोध कार्य में बहुत मदद मिलेगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अब्दुल कादिर की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं JNI न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। डॉक्टर इंद्र कुमार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनाटॉमी विभाग, महाराजा सुहेल देव मेडिकल कॉलेज बहराइच की तरफ से। हमारे यहाँ मुरारी लाल अग्रवाल जी, सनाब श्री ममराल, जो कि एक व्यवसायी हैं, लगभग 2 साल पहले ही हमारे कॉलेज में आए थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि हम यहाँ पर बॉडी डोनेट करें। तो कल 26 जनवरी को लगभग शाम 5 बजे उनकी मृत्यु हो गई, जो कि स्वाभाविक मृत्यु थी। और आज उन्होंने 27 तारीख को उनके पुत्र और उनके पौत्र ने बॉडी डोनेट की, जो कि छात्रों के शिक्षण कार्य एवं शोध कार्य हेतु उपयोग में लाई जाएगी, जो कि एक महान कार्य है। बहुत कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं और बहराइच जैसे ज़िले में ये पहला डोनेशन हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इससे छात्रों को, इसके अलावा MCI में कम से कम 10 बॉडी की उपयोगिता जरूरत पड़ती है और इससे हमें MCI या NMC के निरीक्षण में भी मदद मिली।